लगता है कि ये कितना कारगर रहेगा ये जो प्रयोग है? देखिए, आज सबसे खुशी की बात तो ये है कि जबलपुर, हमारे जबलपुर में ऐसा इनिशिएटिव मावे के माध्यम से करीबन 21 देश के महिला व्यापारियों का, महिला एंटरप्रेन्योर्स का यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा। और निश्चित रूप से न सिर्फ यहाँ जबलपुर के लिए ये एक अच्छा मौका है अपने आप को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रखने का। आज हमारी संस्कार ढानी से जो शुरुआत हुई है, हम मानते हैं कि शुरुआत आगे तक जाएगी। और आर्थिक मंदी के दौर से निकलने में जितनी मदद हमारी महिला एंटरप्रेन्योर्स कर सकती हैं, जो हमारी बहनियाँ हैं उनको प्रोत्साहित करके, चाहे छोटे व्यापार स्थापित किए हैं पर वो छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से शुरुआत छोटी हो सकती है। पर जितनी भी विश्व में क्रांतियाँ आई हैं उनकी शुरुआतें बहुत छोटी हुई हैं। गुजरात की महिलाओं ने एक कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी बनाई जो आज अमूल के नाम से पूरे विश्व में प्रख्यात है। तो जो छोटे कदम हमने उठाए हैं यहाँ से उठे, और खासकर जो एक महिला एंटरप्रेन्योर्स की मांग आई है, जगह हम ऐसे सुनिश्चित करें जहाँ पर वो ऑफिस स्थापित कर सकें, जहाँ सरकार उनकी मदद कर सकें, और ऐसी भी जगह हम सुनिश्चित करें जहाँ महिला उद्योग, चाहे वो छोटे उद्योग मतलब MSMEs हों या गृह उद्योगों के रूप में स्थापित हों, उनको हम प्रोत्साहन दे सकें। निश्चित रूप से आज हमारे घर की बात है, कम से कम ये सेक्टर अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं, ऑर्गेनाइज करने का प्रयास अर्चना भटनागर जी और उनकी टीम ने किया है, मैं उनकी बहुत बहुत सराहना करता हूँ। और आगे जो भी सरकार की आवश्यकता है वो पड़े जहाँ पे भी मदद से हमको कर देंगे। स्व सहायता समूह एक बहुत बड़ी कड़ी है हमारे, जो संख्या है स्व सहायता समूह की आज गणवेश बना रही है कई स्व सहायता समूह। कई स्व सहायता समूह मध्यान्ह भोजन का काम कर रहे हैं, कई स्व सहायता समूह आंगनबाड़ी केंद्रों में काम कर रहे हैं, और कई स्व सहायता समूह हमारे छोटे हैंडीक्राफ्ट के सेक्टर में काम कर रहे हैं। इनको अगर हम ऑर्गेनाइज करें और इनको एक अगर मौका दें, तो आज स्कूल यूनिफॉर्म सरकारी स्कूल के लिए बना रहे हैं, वो क्यों नहीं प्राइवेट मार्केट के लिए, प्राइवेट स्कूल्स के लिए यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं। उनको आवश्यकता है एक विजन की, एक ग्लोबल विजन की, और एक प्रोत्साहन की, नई टेक्नोलॉजी से उनको जोड़ने की, वो मावे जैसी संस्थाएँ वो काम कर रहे हैं। उद्योग जो है बिजली, भारी बिजली बिल से समस्या में है, क्या आपको नहीं लगता है कि बिजली के बिल जो हैं वो उद्योग को कहीं कमज़ोर कर रहे हैं? देखिए, जो बिजली की दरें हैं ये एक स्वायत्त संस्था है मध्य प्रदेश बिजली रेगुलेटरी कमीशन, वो ये बिजली की बिलें तय करता है। पर सरकार ये प्रयास कर रही है कि हम ग्रीन एनर्जी जो प्रमोट कर रहे हैं उनको हम लोग एक रुपये की छूट दे रहे हैं। हमने एक नया प्लान और तैयार कर रहे हैं जहाँ MSMEs को हमको छूट देने का काम कर रहे हैं, जिससे MSMEs प्रोत्साहित हो। तो ये काम लगातार हम लोगों का एनर्जी सेक्टर में भी चल रहा है, और प्रयास करेंगे कि इस एनर्जी सेक्टर में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों को सहूलियत दिला सकें। ये सोनिया गांधी जी ने जो मंत्रियों का बयान चल रहा है अभी मध्य प्रदेश में, उस पर ऑब्जेक्शन लिया है, क्या कहते हैं? मावे की बात कर रहे हैं उसके बारे में बोल चुका हूँ। यहाँ पे तो हम महिला एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने की पॉजिटिव बात कर रहे हैं, लेकिन सर आप लोग जहाँ जाते हैं तो वहाँ पॉलिटिकल क्वेश्चन तो होते ही हैं। देखिए, सोनिया गांधी जी ने जो निर्देश दिए हैं वो हर कांग्रेस के पदाधिकारी को मानना अनिवार्य है। सम्माननीय सोनिया गांधी जी हमारी अध्यक्ष हैं, और उनका जो जो निर्देश होगा वो हम सबके लिए सर्वमान्य होगा।